कैसे देखते हैं आज मैनिफेस्टो जारी किया? देखिए, सबसे बड़ी तो आज मैं कहूँगा कि मुझे इस बात की खुशी है, बहनों के लिए हमने 2100 रुपये प्रति महीना सभी बहनों के लिए और जो हमने कॉलेज जाने वाली बेटियों के लिए स्कूटर का ऐलान किया है, मुझे इस बात की बड़ी भारी खुशी है। मुझे खुशी है दूसरी खेल वाली, क्योंकि हरियाणा खेलों का हब बन चुका है, एक नेक्स्ट लेवल की जो है नर्सरी हम यहाँ बनाने वाले हैं, ओलंपिक लेवल खेल नर्सरी। मुझे खुशी है इस बात की कि झज्जर ज़िले में सबसे ज़्यादा मेडल अभी भी आया अपने ओलंपिक के, वहाँ एक नेशनल लेवल का खेल परिसर और स्टेडियम बनाने की घोषणा हमने की है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऑर्बिटल ट्रेन आ रही है तो वो वंदे भारत ट्रेन जो है पलवल से लेकर हमारा गुड़गांव फरकनगर बादली भादरगढ़ होते हुए जो है वो चंडीगढ़ तक पहुंचने का, इधर उधर मथुरा तक जोड़ने का जो संकल्प आया, मुझे लगता है शानदार संपर्क है। हर जिले को रैपिड ट्रेन से जोड़ने वाला संकल्प भी बहुत शानदार से, हर अग्निवर्ग को ये गारंटी देना कि हम आपको रोजगार देंगे आते ही, एक शानदार संकल्प है। 25 ये जो सारी की सारी फसलें MSP पे खरीदे जारी रखेंगे, शानदार संकल्प है। तो बहुत सारी चीज़ें हम 36 बिरादरी का अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाएंगे, ये शानदार संकल्प है। क्योंकि बहुत सारा जब बड़ा लोट इकट्ठा हो जाता है तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें नहीं आ पाती, तो अलग अलग चीज़ें हर वर्ग की चीज़ें हमारे पास आएँ, जैसे SC बोर्ड है, लेकिन धाणक समाज को स्पेसिफिक क्या चाहिए, खटीक समाज को स्पेसिफिक क्या चाहिए, पावरिया समाज को स्पेसिफिक क्या चाहिए, भागीरथ समाज को, ओड समाज को स्पेसिफिक क्या चाहिए, कई बार पता ही नहीं चलता बड़े सारे लोट में, और जो बड़े ग्रुप हैं उन्हीं की बातें सामने रह जाती हैं। इसलिए हर बिरादरी को उसके काम के हिसाब से चीज़ें दे सकें, ये हमने उसमें रखने का प्रयास किया है कि उनकी बात हम तक पहुँच सके, विंडो उनके मांगों की विंडो हमारे लिए खुली रहे और सरकार की विंडो उनके लिए खुली रहे कि उनको पूरा कर सके। एक दिन पहले ही कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आया है, उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो मिलती जुलती नजर आई। घोषणा और संकल्प में बड़ा फर्क होता है जी, वो तो घोषणा करते हैं और पार बोलते हैं। इतने राज्यों के उदाहरण हैं, कहा 10 दिन में कर्जा माफ़, राहुल गांधी का बयान हमने एक बार नहीं अनेक बार देखा, 4000 किसान को आत्महत्या करनी पड़ी राजस्थान में। इनके घोषणा पत्र जो उठ के पुलंदे हैं, मैंने पहले ही कहा प्रस्तावना में कि हमने घोषणा पत्र वो बनाया है जिसको हम अपने रिसोर्सेज के हिसाब से पूरा करेंगे। शुक्रिया। तो ये थे ओम प्रकाश धनखड़, बड़े तफसील से बताया कि घोषणा पत्र में क्या कुछ शामिल किया गया, युवाओं से लेकर किसानी तक का जिक्र उन्होंने किया। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत के साथ देवेंद्र दांगी रोहतक।